से हमारा पूरा देश आजाद हो गया है। 370 से देश की इकोनॉमी आजाद हो गई है। देश का 370 हटने से जो मिलिटेंसी है वो खत्म हो गई है। सेपरेटिसी का मूल बंद हो गया है और देश के अंदर जो 5 बिलियन ट्रिलियन डॉलर का मोदी साहब ने कहा था वो अब होगा, क्योंकि सादी हमारी इकोनॉमिक आदि इकोनॉमी कश्मीर पे खर्च होती थी वो आजाद हो गई है और हम इसको वेरी लुक फॉरवर्ड करते हैं कि देश हमारा अब एक होगा। मोदी जी ने कहा था सबका विकास सबका विश्वास, एंड में वो विश्वास आज उन्हें कायम कर दिया है। वी कॉन्ग्रेचुलेट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वी कॉन्ग्रेचुलेट द इंडियन कम्युनिटी एंड ऑल कि वो इस चीज को अपनी अपनी असेंबली में उठाए, अपनी असेंबली में देश के अंदर बात करे और देश को इसका महोत्सव बनाना चाहिए। जैसे दिवाली ईद महोत्सव बनता है, ऐसे 370 का भी महाउत्सव बनना चाहिए। देखिए जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बहुमत पूर्ण रूप से बहुमत दिलाया था, जिस विश्वास कि कश्मीर में धारा 370 और 35 ए हटे, आज नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी के नेतृत्व में आज वो काम करते हैं, इसलिए हिंदुस्तान के लिए बहुत खुशी का क्षण है। इसी खुशी के लिए आज हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर कुछ आतिशबाजी करी है और हिंदुस्तान के जय जयकार। कैसे देखते हैं इसको, मतलब जो निर्णय लिया गया है क्या, कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छा निर्णय है, भारत सरकार द्वारा बहुत इतने सालों से कोई भी सरकार ऐसा काम नहीं कर पाई थी और जो भाजपा की इस बार सरकार थी इसी उम्मीद के साथ हम सबको भी बहुत उम्मीद थी कि इस बार कश्मीर पर जल्दी से कोई फैसला होगा और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा भारत सरकार को कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया।